मिशन यूपी 2017 को लेकर बीजेपी का इलाहाबाद में महामंथन चल रहा है। आज से इलाहाबाद में शुरू हुई बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को नए बदलाव के लिए तैयार रहने को कहा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करीब 25 मिनट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वक्त के साथ संगठन में बदलाव की जरूरत है और बदलाव होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि नई सोच और नए आइडियाज के साथ सबको आगे आना चाहिए और इन्हीं नए विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लिहाजा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए मजबूती से काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल दो दिन चलेगी। बैठक में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई पदाधिकारी शामिल हैं। पीएम मोदी दोनों दिन बैठक में शामिल होंगे। सोमवार को कार्यकारिणी के समापन के बाद पीएम मोदी की एक बड़ी जनसभा भी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे इलाहाबाद और दूसरी तरफ उस पंडाल में, उस जगह पर जहां कार्यकर्ताओं के साथ करीब उन्होंने 25 मिनट बिताए और संदेश दिया कि पार्टी कार्यकर्ता एकजुट रहें, पार्टी सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाए। आने वाला समय 2017 पांच राज्यों में चुनाव का है, लिहाजा यहां से बीजेपी अपनी दशा और दिशा दोनों तय करेगी। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता विवेक। प्रधानमंत्री ने जो तीन बातें कही हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, विपक्ष को कमजोर न समझें, ये इशारा देता है कि बीजेपी कार्यकारिणी में क्या होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी कार्यकारिणी नए सिरे से गठित होनी है क्योंकि अमित शाह जब से अध्यक्ष बने हैं उन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी नए चुनौर के लिए नहीं बनाई है। वही पुरानी कार्यकारिणी है जो अमित शाह ने जब राजनाथ सिंह की जगह ली थी और उस वक्त कार्यकारिणी गठित की थी, वही कार्यकारिणी अभी तक चली आ रही है। आमतौर पर क्या ये परंपरा ही है कि जब नया अध्यक्ष बनता है तो नई कार्यकारिणी गठित करता है। नई कार्यकारिणी इस मीटिंग के बाद बहुत जल्द गठित हो जाएगी, इस बात के संकेत प्रधानमंत्री ने भी दे दिए हैं और जिम्मेदारियां भी कुछ बदली जाएंगी। हो सकता है कुछ कैबिनेट में फेरबदल किया जाए, कुछ लोगों को संगठन में लाया जाए, ये सारी चर्चाएं हैं जिसका इशारा आज प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिस बीरो से कर दिया। विवेक, साथ ही जो दीप प्रज्वलन हुआ उससे एक संदेश ये जरूर जा रहा है कि अटल, आडवाणी, जोशी एक समय ये तीन नेता माने जाते थे जिन्हें आज बीजेपी अपना मार्गदर्शक या वरिष्ठ नेताओं के तौर पर गिनती करती है, लेकिन मंच पर आडवाणी की उपस्थिति ये बताती है कि बीजेपी पुरानों में सिर्फ आडवाणी के पीछे खड़े होना चाहती। देखिए, आडवाणी जी नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और पार्टी के संस्थापक रहे हैं, तो जाहिर बात है उनका कद मार्गदर्शक मंडल में सबसे ऊपर है। मुरली मनोहर जोशी भी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ उनका स्थान नीचे है। जो वो पार्टी की परंपरा है कि अध्यक्ष बैठता है, प्रधानमंत्री बैठते हैं, अरुण जेटली को बिठाया गया है मंच के ऊपर। आपको सबसे बड़ी बात यही है कि अब इस कार्यकारिणी की बैठक में अब तक जो निकल के सामने आई है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है और आज जो बैठक शुरू हुई है सबसे पहला भाषण उसमें हुआ है केशव मौर्य का, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश उनका अगला टारगेट है, अगला लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की उसकी जीत हासिल करना। और तकरीबन सभी बड़े नेता यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, सब ने इस बात का ये और संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है और उस लिहाज से ही कार्यकारिणी की बैठक का ज्यादा वक्त उसी उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाने में लग रहा है। और कल प्रधानमंत्री की रैली भी इलाहाबाद में हो रही है तो इससे बिल्कुल ये संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ जुटेगी और कोशिश उसकी होगी कि इसका जो टारगेट है 265 प्लस का उसको किसी तरह हासिल किया जाए। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए विवेक, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। विजय बहुगुणा ने इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी के आयोजन को काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में आयोजन से पार्टी को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती मिलेगी। वहीं बीजेपी नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि 2017 में बीजेपी यूपी में सरकार बनाएगी। लोकसभा में
जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों ने या कहीं भारत के लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है, तो दो वर्ष में वो विश्वास और मजबूत हुआ है। निश्चित तौर पे जो मंथन हो रहा है, तो मंथन में अमृत ही निकलेगा, इलाहाबाद से और क्या निकलेगा। और ये अमृत जो है ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार देगा यहाँ उत्तर प्रदेश में। ये जो गंगा की धारा है अब 2012 के बाद उसमें काफी पानी बह चुका है और अब जो आगे पानी बहने वाला है वो सब भाजपा का ही बहने वाला है। जी, 91 में कल्याण सिंह थे, आज भी लोग उनको भूले नहीं है। राजनाथ सिंह का जो काम था आज भी लोग भूले नहीं है। तो इसलिए यहाँ कोई चेहरों की कमी थोड़ी है। आपने मोदी का नाम क्या 2007-08 में कभी सुना था क्या? कोई 9 में सुना था क्या? 10 में सुना था क्या? 11-12 में सुना था क्या? केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उससे आगे सुना था क्या? लेकिन आपको ये कैसे हो गया कि वो एकदम आ गए और सारे देश में छा गए? कांग्रेस में संगठन स्तर पर फेरबदल की शुरुआत हो गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ को पंजाब और हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, लिहाजा कांग्रेस में हुए इस फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि अब तक शकील अहमद पंजाब और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे, जबकि मधुसूदन मिस्त्री के पास यूपी का प्रभार था। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 8 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा ने विधायकों को सस्पेंड करने की जानकारी दी। कल राज्यसभा चुनाव में जेडीएस के 8 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था, जिससे जेडीएस उम्मीदवार की हार हो गई। ऑल द 8 हैव बीन सस्पेंडेड फॉर द एंटी पार्टी एक्टिविटीज। ऑल द 8 has been suspended. According to the party constitution, we will form a disciplinary action committee. That committee will examine all their activities from last 3-4 months, and then further notices will be served on them according to the party constitution. I am not going to expel them. First, I have been suspended today. राज्यसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा के हिसार पहुंचे। हिसार में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों से मुखातिब होते हुए डॉक्टर चंद्रा ने दिल की बात की, लोगों को हर वक्त साथ रहने का भरोसा दिया। इसके बाद अपने पैतृक घर पहुंचकर डॉक्टर चंद्रा ने परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। हिसार में डॉक्टर चंद्रा ने मीडिया से भी हर मुद्दे पर बात की। सबसे पहले समर्थन के लिए बीजेपी आलाकमान को शुक्रिया कहा, साथ देने वाले तमाम विधायकों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, राजनीतिक मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन करूंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि हिसार के लोगों का मुझ पर पहला अधिकार है। राजनीति कहिए या जो भी कहिए, और कल भी मेरा बयान पता नहीं कितने लोगों ने देखा। मैंने स्पष्ट कहा है कि हरियाणा विधानसभा के 90 विधायकों का मैंने शुक्रिया अदा किया और सभी को धन्यवाद दिया, और उससे ज़्यादा मैंने धन्यवाद दिया है और आज मैं देता हूँ कि हरियाणा की जनता ने इतना प्रेम मुझे दिखाया, जो कि ऐसी स्थिति आई कि जो विरोधी दल के भी एमएलए थे उन लोगों को भी ये मानना पड़ा, और कल चुनाव के दौरान में वोट डालने के दौरान में उस कई लोगों ने ये कहा कि जी दिल तो आपके साथ है, दिल तो आपको वोट डालने को करता है, लेकिन और क्योंकि हिसार की जनता आपके साथ है, बोला मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम 5,000 फोन आ रहे होंगे मेरे पास कि वोट आपको सुभाष जी। हरियाणवी वर्सेज नॉन हरियाणवी की ये लड़ाई थी, और जिन विधायकों ने भी अपने मतपत्र खुल के नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने अपने मतपत्र रिजेक्ट करवा लिए जानबूझ के, तो उसके पीछे मुझे तो यही लगता कि यही सोच रही होगी कि भी ये आदमी दूसरे व्यक्ति के सामने हरियाणा के लोगों का और उन विधायकों का भी काम ज्यादा अच्छा कर सकेगा,
ऐसी सोच मुझे तो लगती है उसके पीछे। 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए केंद्र की तरफ से बनाई गई एसआईटी एक बार फिर से बंद की गई फाइलों को खोलेगी। एसआईटी ने दंगे से जुड़ी 75 ऐसी फाइलों को खोलने का फैसला किया है जिससे सबूतों या गवाहों की कमी की वजह से बंद किया गया था। ये सभी 75 फाइलें दिल्ली में दंगों से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ हिंसा हुई थी जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अकेले दिल्ली में 2733 लोगों की मौत हुई थी जिसे लेकर दिल्ली में 237 मामले दर्ज किए गए थे। उसी 237 केस में से एसआईटी ने बंद के 75 केस फिर से खोलने का फैसला किया है। जल्दी एसआईटी इसे लेकर विज्ञापन जारी करेगी जिसमें पीड़ितों और गवाहों से अपील की जाएगी कि वो एसआईटी की इस जांच में शामिल हों। आपको बता दें कि ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब है। केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है। चाहे देर हो गई, बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी मैं मोदी जी का और राजनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर भी इनके मन में कुछ ना कुछ तो हमदर्दी सिखों के प्रति आई। अब जो एसआईटी ने ये ऑर्डर किया कि 75 केस जो उस वक्त के कत्लेआम के थे उनकी फाइलें खोली जाए। एक तो मैं बेनती करने चाहता हूँ कि इसको जल्दी इसका निपटारा किया जाए। दूसरी बात यह 75 केस का तो फाइलें खोलने का उन्होंने ऑर्डर किए हैं, केस और भी बहुत हैं, उसको भी रीओपन करना चाहिए। हमने 112 केसेस दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और अकाली दल ने एसआईटी को जमा करा दिए हैं खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करके। अब उस पर एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। आज खबर पड़ी है कि 74 केस 74 केसेस वो दोबारा रीओपन करने जा रहे हैं। हम इसको वेलकम करते हैं। मैंने होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी है। ये जो केस रीओपन हो रहे हैं इनकी को इंक्वायरी दिल्ली पुलिस नहीं करे क्योंकि दिल्ली पुलिस के अफसर इसमें इन्वॉल्व थे 84 में। सीधे रुख करते हैं रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मित्रों नमस्ते। दिल्ली देश के विभिन्न इलाके, उत्तर प्रदेश और प्रयाग, इन सबों से आए हुए मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों भाजपा की इलाहाबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का औपचारिक उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के उद्बोधन से आरंभ हुआ है। आज की अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में मैं अमित शाह जी के भाषण के मुख्य बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। फ्रेंड्स, आई विल जस्ट बी प्रेजेंटिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ द इनॉग्रल एड्रेस ऑफ श्री अमित शाह व्हाइल एड्रेसिंग द नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग एट इलाहाबाद ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस साल दो निर्णायक घटनाएं हुई हैं। पहला, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी की केंद्रीय सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और दूसरा, जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। आसाम में हमें पूर्ण बहुमत मिला और उत्तर पूर्व का मुख्य द्वार हमारे लिए खुला है। द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन ओपन्ड फॉर द बीजेपी। केरल में हमने एक सीट भी जीती और अपने सहयोगियों के साथ हमें 15% वोट मिला और बंगाल में हमें अपने साथियों के साथ 10% वोट मिला है। ये अध्यक्ष जी ने एक बात कही, कोरोमंडल ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो हैं आप जानते हैं, उसमें उड़ीसा है, उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें केरल है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें आसाम है, दे आर नोन एज कोरोमंडल ग्रुप ऑफ स्टेट्स। वहां बीजेपी का विस्तार हो उसमें इन प्रदेशों में हमारी एक जगह सरकार बनी है और बाकी अच्छी उपस्थिति दर्ज हुई है
and they are happy beginning for a good future. अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि आज की स्थिति यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से गुवाहाटी हर जगह भाजपा है बहुत प्रभावी तरीके से. अध्यक्ष जी ने दो साल जो हमारी सरकार के परफॉर्मेंस हुए हैं इसका थोड़ा विस्तार से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो विकास पर्व हम मना रहे हैं ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में एक नया हम स्तर निर्णित कर रहे हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी इज लेइंग डाउन न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. जनादेश का हिसाब, जनता ने हमें जनादेश दिया और हम दो साल में हिसाब दे रहे हैं. आपको मालूम है कि 250 स्थानों पर सारे केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं और पूरे विकास के पर्व में विकास की बात जनता के बीच कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं. ये लोक संपर्क का अद्भुत उदाहरण है. अध्यक्ष जी के शब्द को मैं कोट कर रहा हूं, लोक संपर्क का अद्भुत उदाहरण, यूनिक एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कॉन्टैक्ट एंड एज आई सेड न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. मित्रों, अध्यक्ष जी ने बताया कि दो साल की हमारी सरकार, हम गौरव के साथ कहेंगे, भ्रष्टाचार विहीन की सरकार. Two years of Narendra Modi government, no corruption government. 10 साल के यूपीए की सरकार में घोटालों की और भ्रष्टाचार की श्रृंखला थी. पूर्व की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था. उस सरकार में हर मंत्री अपने को प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं समझता था. तो निर्णय की पंगुता, प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन, ये पूर्व की सरकार के लक्षण थे. हमारी सरकार नो पॉलिसी पैरालिसिस, डिसाइसिव लीडरशिप. नरेंद्र मोदी जी की सरकार निर्णायक नेतृत्व, निर्णय पंगुता का अभाव. अध्यक्ष जी ने तीन चार और महत्वपूर्ण बात कही हमारे सरकार के बारे में जिसको हम मीडिया के सामने रखना चाहेंगे. पूर्व की सरकार में द्वंद होता था, डायलेमा, कि शहर का विकास हो या गांव का विकास. नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांव और शहर के विकास के बीच संतुलन का सेतु स्थापित करने का प्रयास किया है, ए फाइन ब्रिज ऑफ कनेक्ट एंड बैलेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट. दूसरा, रिफॉर्म हो या जन कल्याण का काम किया जाए, सुधार हो या जन कल्याण का काम किया जाए. मोदी जी की सरकार, सुधार भी जरूरी है और सुधार के साथ जन कल्याण भी हो सकता है. रिफॉर्म एंड पब्लिक वेलफेयर कैन गो टुगेदर, देयर इज नो डिस्कनेक्ट. तीसरा, सरकार चलाएगी पॉलिटिकल लीडरशिप या नौकरशाह, इसको लेकर भी बहस चलती थी. इस सरकार ने उस डायलेमा को भी समाप्त किया है, उस द्वंद को भी समाप्त किया है. पॉलिटिकल लीडर्स फैसले करेंगे, ब्यूरोक्रेसी उसे क्रियान्वित करेंगे. द ब्यूरोक्रेसी विल डिलीवर एंड इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप. इस द्वंद को भी हमारी सरकार ने समाप्त किया है. और औद्योगिक विकास देश के लिए जरूरी है, यह फैसला भी किया है. एक चौथा जो डिस्कनेक्ट था रक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में, उस द्वंद को भी समाप्त किया है. द सिमरिंग डिस्कनेक्ट बिटवीन डिफेंस पॉलिसीज एंड फॉरेन पॉलिसीज हैज ऑल्सो बीन कंप्लीटली रिजॉल्व. मित्रों, अध्यक्ष जी ने एक बात और कही
कि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि कुछ काम सिर्फ समाज को ही करना चाहिए, लेकिन मोदी जी की सरकार ने अगर मुखिया कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जोड़े तो जनता का सहभाग कितना प्रबल होता है इसका उदाहरण सामने में आया है। उसमें उन्होंने जन भागीदारी में जिन बातों को बात बताई है उसमें स्वच्छ भारत मोदी जी ने खुद लीड किया, तो स्वच्छ भारत एक नेशनल मूवमेंट कैसे बना इसको आपने देखा। नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और योग, तो योग, स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे जन कल्याण के काम जनता के साथ साथ अगर शासन के लोग सार्थक लीडरशिप देते हैं तो बदलाव कैसे होता है, उन्होंने इसका उल्लेख किया। उन्होंने एक और बात कही कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, ये हम सभी कहते रहे हैं। 21वीं सदी जब आरंभ हुई तो अटल जी और आडवाणी जी के साथ एनडीए की सरकार, एक बहुत उन्होंने सिग्निफिकेंट बात कही थी कि जब 21वीं सदी व्हेन द 21st सेंचुरी कमेंस्ड इन इंडिया देयर वाज एन एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी एंड आडवाणी जी एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 10 साल तक यूपीए की सरकार रही और भारत की विकास गाथा समाप्त हो गई थी। देयर वाज करप्शन, देयर वाज कंफ्यूजन, देयर वाज पॉलिसी पैरालिसिस एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। और पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार ने काम किया है तो भारत पुनः दुनिया की आशा का केंद्र बन गया है। देयरफॉर टुडे इंडिया हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ए कंट्री टू बिकम द बीकन ऑफ द 21st सेंचुरी। ये एक महत्वपूर्ण बात, भारत पुनः 21वीं शताब्दी में दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। अध्यक्ष जी ने एक और बात कही कि आर्थिक विकास को हमने ऐसा किया है कि जो ग्रोथ रेट 5.4% पर आ गई थी उसको आज हम 7.6% पर ले गए 2 साल, और अगर आप लास्ट क्वार्टर को देखें तो 7.9%। तो ये देश की विकास दर हमने कही है। एक अध्यक्ष जी ने और बात कही कि जीडीपी के बारे में थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं कि 12-13 में जीडीपी 5.6% था, 5.6%, ये अध्यक्ष जी के भाषण से कोट, 13-14 में 6.6% था, 14-15 में 7.2% हुआ और 15-16 में 7.6% हुआ। और ये दुनिया में आर्थिक मंदी है और 2 साल से भारत में अकाल है फिर भी हमारी विकास दर है, और इस साल अच्छी बारिश होने की उम्मीद है तो हमारी कृषि भी और बढ़ेगी विकास दर और हमारा और भी बढ़ेगा जीडीपी। अध्यक्ष ने 2 अकाउंट और कहे, फिस्कल डेफिसिट, कितना कमाई कितना खर्चा, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, वो 4.4 से घटकर 3.9 हो गया, हमने उसको नियंत्रित किया। करंट अकाउंट डेफिसिट, देश के आयात निर्यात में क्या अंतर है उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी 3.8% से घटकर 2.5% हो गया है। तो हमने देश के सारे आर्थिक पैमानों को नियंत्रित किया है। अध्यक्ष जी ने और बात कही कि हमने जीडीपी विद ए ह्यूमन फेस, विकास दर एक मानवीय चेहरे के साथ होना चाहिए, अगर देश में शौचालय बनेंगे तो जीडीपी में मानवीय चेहरा आएगा। और आपको मालूम है कि हमने 2 साल में 2.5 लाख स्कूलों में 4.5 लाख शौचालय बनवाए हैं, जस्ट टू टेल यू वन थिंग। अगर हम हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं तो ये ग्रोथ विथ ए ह्यूमन फेस है। और स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना, ये सारी योजनाएं स्वरोजगार से रोजगार की ओर देश को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। मित्रों, इसके बाद अध्यक्ष जी ने विदेश नीति की चर्चा की।
और उन्होंने एक बात का जिक्र किया जिसका पूरे सदन ने ताली बजाकर सहर्ष प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया कि एक साल में देश के दो प्रमुख, दुनिया के दो प्रमुख इस्लामिक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान। इट इज अ यूनिक थिंग हैपन इन द एनल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव दैट टू इस्लामिक कंट्रीज चोज टू कन्फर देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन ए स्पेस ऑफ वन मंथ, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान। उन्होंने चाबार पोर्ट के विषय में भी चर्चा की कि जिस तरह से भारत के पश्चिमी समुद्र कोने से आज ईरान के साथ हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ेगा, वहां से अफगानिस्तान, वहां से ईरान, तुर्कमेनिस्तान और पूरे सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, जो सीआईएस कंट्री हम कहते हैं, वहां हमारा व्यापार जाएगा। तापी लाइन की उन्होंने जिक्र किया, ये उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने जिस तरह से अफगानिस्तान में सलमा डैम का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, और अभी पांच देशों की यात्रा में तीन देश भारत के एनएसजी के मेंबरशिप का समर्थन कर रहे हैं। थ्री कंट्रीज आउट ऑफ द फाइव द पीएम चोज टू विजिट, स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड मेक्सिको हैव चोजन टू सपोर्ट इंडियाज क्लेम फॉर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये इससे बड़ा कोई उद्बोधन हो नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री के यूएस कांग्रेस के एड्रेस का भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने भारत की प्रतिभा, भारत की क्षमता और भारत के आत्मविश्वास का परिचय अपने भाषण में दिया, उससे हर भारतीयों का सीना बहुत ही चौड़ा हुआ है। उन्होंने एक बात और कही कि अमेरिकन कांग्रेस में भारत के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का भी उल्लेख किया, जो भारत में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का एक बहुत बड़ा अलौकिक उदाहरण है। अध्यक्ष जी ने भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में कहा, कांग्रेस छीण हो रही है, उनके शब्द हैं, कांग्रेस छीण हो रही है, कांग्रेस इज गेटिंग इंक्रीजिंगली वीकेंड, और इफ आई कैन यूज माई ओन एक्सप्रेशन, द एट्रोफी ऑफ कांग्रेस इज गोइंग विथ अलार्मिंग स्पीड। जो कांग्रेस के निष्ठावान लोग थे वो कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं और ये सिलसिला काफी तेज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पिछले दो साल में विकास के मार्ग में जो कांग्रेस ने बाधा देने का काम किया है, उसके कारण कांग्रेस का महत्व कम हो रहा है। द रिपीटेड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विच हैड बिकम द हॉलमार्क ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स लास्ट टू ईयर्स इज ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर द इंक्रीजिंग वीकनिंग ऑफ कांग्रेस ऑल ओवर द कंट्री। अध्यक्ष ने एक बात और स्पष्ट की कि भाजपा का उदय कांग्रेस के छीन होने के कारण नहीं है, भाजपा का उदय भाजपा की विचारधारा, कार्यकर्ताओं का समर्पण और उनके आचरण से ही हो सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, द राइज ऑफ बीजेपी इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द वीकनिंग ऑफ कांग्रेस, बीजेपी इज राइजिंग बिकॉज ऑफ इट्स इडियोलॉजी, द कमिटमेंट ऑफ इट्स वर्कर्स एंड द एक्स्ट्रॉर्डनरी कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द लीडर्स एंड द पार्टी। ये उन्होंने बात कही और आगे हमको और ऊपर जाना है, इसका उन्होंने बहुत जिक्र किया। अध्यक्ष जी ने केरल और बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हो रही है, इस पर बहुत ही गंभीर चिंता व्यक्त की। केरल में एक सप्ताह चुनाव के अंदर 300 स्थानों पर बीजेपी के कार्यालय पर हमले हुए, बीजेपी के समर्थकों पर हमले हुए। बंगाल में भी यह घटना दोहराई गई। राजनीति में, लोकतंत्र की राजनीति में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, और अध्यक्ष जी ने बहुत साफ साफ कहा
कि केरल में जो हिंसा हो रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश की बीजेपी खड़ी है। द नेशनल प्रेसिडेंट गेव ए वेरी क्लैरियन अपील एंड कॉल दैट वायलेंस हैज नो प्लेस इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज हैपनिंग इन केरला ऑन द बीजेपी वर्कर्स, द इंटायर पार्टी, द इंटायर लीडरशिप ऑफ द कंट्री स्टैंड्स फर्मली बिहाइंड ऑल द वर्कर्स एंड लीडर्स ऑफ द बीजेपी इन केरला। ये बात उन्होंने बहुत ही साफ साफ कही। अध्यक्ष जी ने कहा कि 2017 चुनौतियों का साल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल में चुनाव है। उन्होंने कहा इन चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विकास का अभाव है, शांति समाप्त है, हिंसा का माहौल है और सरकार इसको रोकने में असफल रही है। उन्होंने मथुरा की घटना की विशेष रूप से चर्चा की कि सरकारी जमीन को जबरन कब्जा करने की जो एक राजनीति चल रही है और सरकार को उसका प्रोत्साहन मिलता है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समय रहते कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कब्जा करने वाले प्रश्रय पाते हैं। उन्होंने कैराना का भी जिक्र किया कि कैराना में जो पलायन हो रहा है हिंसा के कारण वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत हम चिंता प्रकट करते हैं और सरकार जो अभी है समाजवादी पार्टी की वो स्थितियों को संभालने में रोज अपनी असमर्थता दिखा रही है। द लैक ऑफ गवर्नेंस एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज उत्तर प्रदेश इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। अध्यक्ष जी ने इस बात के लिए आह्वान किया कि सारे कार्यकर्ता मेहनत करें, हम पूरी तैयारी से लगेंगे और अपने पूर्ण बहुमत की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। यह संकल्प उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में दोहराया। उन्होंने यह भी बताया कि आज दिन में सारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और संगठन के राष्ट्रीय प्रभारियों की बैठक हुई है और इसमें संगठन के पूरे आने वाले 3 महीने के स्वरूप, नीति, रणनीति पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री समेत भारत सरकार के सारे मंत्रियों को बधाई दी और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो गांव गांव तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं और इसमें सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का भी सदुपयोग करें। जो नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप है वो उपलब्ध है, उसको भी डाउनलोड करके सारे कार्यकर्ता उसके प्रमुख बिंदुओं को नीचे तक पहुंचाएं, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। अध्यक्ष जी ने एक बार और कही कि जिस तरीके से बीजेपी का विस्तार हो रहा है हमें एक संकल्प और लेना है कि 2019 में हम दोबारा और अधिक बहुमत से केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे और बाकी बीच के चुनाव जीतेंगे। इन संकल्प के साथ उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। ये अध्यक्ष जी के भाषण के प्रमुख अंश थे। नाउ आई एम ओपन टू सम क्वेश्चंस बट आई यू आर लेकिन मैं बता दूं कि मैंने अध्यक्ष जी के भाषण को आपके सामने रखा है। कौन हु विल कंट्रोल, आप करोगे कौन करेगा? ठीक है, पाठक जी यहां नरेंद्र श्रीवास्तव जी, नरेंद्र जी माइक दो भैया, माइक दो रविशंकर जी। यस बहुआ।